चलिए, तो लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको कहा था, जब हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमको स्टोमेटा के बारे में अलग से पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो स्टोमेटा के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़, स्टोमेटा वो साइट होती है जो कि CO2 प्रोवाइड कराती है, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो एटमोसफेयर से CO2 को ले लेता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कुछ किडनी बीन जैसा होता है। और ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक्चुअली जो बीच में गैप है ना, ये गैप है स्टोमेटा, या इसको स्टोमेटल पोर कह लीजिए। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये बीच का स्टोमेटल पोर और ये आसपास जो किडनी शेप के सेल्स हैं, इन दोनों को मिला के स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो ये जो किडनी शेप के सेल्स हैं, इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं इनको? गार्ड सेल्स कहते हैं। तो जो स्टोमेटा है, इट कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल्स सराउंडिंग द स्टोमेटल पोर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का है, ठीक। अब ये स्टोमेटा का पोर जो है, वो हमेशा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पोर कुछ इस तरह से ऐसे खुला हुआ है, लेकिन ये पोर हमेशा ऐसे खुला नहीं रहता है, ये कभी कभी बंद भी हो जाता है। अब ये स्टोमेटा खुला रहेगा या ऐसे बंद रहेगा, ये डिपेंड करता है इन गार्ड सेल्स पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, इसीलिए नाम गार्ड सेल्स दिया गया है। तो कौन सी कंडीशन है जब ये स्टोमेटा पोर खुला रहेगा, और कौन सी वो कंडीशन है जब स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हम अगर बोलें कि इन गार्ड सेल्स के अंदर, पानी भरा हुआ है, वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा? अगर इनके अंदर पानी है तो ये फूल जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे, तो स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। और अगर इन गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकल जाए, तो जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा तो ये जो दो गार्ड सेल्स ऐसे हैं, पानी निकल गया तो आपस में चिपक जाएंगे और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी अगर गार्ड सेल के अंदर है तो स्टोमेटल पोर ओपन है, और अगर पानी गार्ड सेल से निकल गया तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, देखिए, गार्ड सेल्स और स्टोमेटा के बारे में। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देते हैं, ये जो गार्ड सेल्स का आप शेप देख रहे हैं ना, गार्ड सेल्स का शेप जो है वो किडनी बीन है। मैंने आपको बताया किडनी बीन शेप का, ये बात सही है ग्रासेस में, ठीक है, किन में? ग्रासेस में इन गार्ड सेल्स का शेप कैसा हो जाता है? डंबबेल शेप का हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी अगर स्टोमेटा होगा तो गार्ड सेल्स उसका किडनी बीन शेप का ही होगा, ऐसा नहीं है। ग्रासेस के स्टोमेटा में जो गार्ड सेल हैं वो डंबबेल शेप के होते हैं। बस इतनी सी बात 10th लेवल पे मोर देन सफिशिएंट है जो हमें पता होना चाहिए।